एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैं घर में खुद से वैक्सीन करती हूँ। तो आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते थे पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज फाइनली ये करते हैं मेरे उन कुछ लोगों के लिए जो ये जानना चाहते थे। तो शेविंग से ज्यादा मैं प्रिफर करती हूँ वैक्सीन करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे खुद से वैक्सीन करना स्टार्ट किया। तो कभी कभी होता था कि मुझे सुबह कहीं जाना होता था और रात को मुझे पता चलता था, तो रात को तो मैं पार्लर नहीं खुलवा सकती, उनका अपना टाइम होता था तो वो लोग मेरे लिए तो नहीं खोलेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं पूरा वैक्सीन किट ही अपने घर ले आई। और मेरी फ्रेंड निधि है, उन्होंने मुझे बताया था कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है वैक्सीन के लिए और कैसे कैसे करते हैं, मुझे पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था। इनफैक्ट वो मेरे साथ भी गई थी पूरा किट ले आने के लिए। और ये CST में एक शॉप है, ब्यूटी पैलेस आई थिंक उसका नेम है, तो वहां से ये सब मैं लेकर के आई हूँ। हीटर, वैक्स, स्ट्रिप्स, स्पैचुला, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था और फिर मैंने वहां से बाय किया था। तो अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे ये सब मिलता हो तो आप अमेजोन से भी ये सब बाय कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन करने के लिए हमें 3-4 चीजें चाहिए, एक वैक्स हीटर, स्पैचुला या फिर आप चम्मच का पीछे का हिस्सा भी यूज कर सकते हैं, वैक्स, स्ट्रिप्स, बस। तो पहले पाउडर अप्लाई करो फिर वैक्स, पर मुझे ऐसा कोई डिफरेंस फील तो नहीं हुआ है अगर मैं बिना पाउडर अप्लाई किए वैक्स करूं तो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पाउडर पहले अप्लाई करती हूँ और फिर वैक्स करती हूँ। तो आराम आराम से आपको हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करना है, ध्यान से, क्योंकि कभी कभी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई हो जाता है, इससे वैक्स तो होता नहीं है लेकिन पेन जरूर हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाओ और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचे। और वैक्स लगाने के तुरंत बाद ही स्ट्रिप्स लगाना है और थोड़ा सा रब करने के बाद आपको खींचना है। तो बहुत लोगों को तो लगता है कि वैक्सीन नहीं बाबा बहुत पेन होगा, पर मुझे पर्सनली इतना पेन नहीं होता है। और पेन सहने की क्षमता जो है वो हर पर्सन की अलग है, जैसे कि कोई चींटी का काटा भी सहन नहीं कर सकता है तो कोई सांप का काटा भी सहन कर जाता है। तो मतलब ये ऐसे ही एग्जाम्पल था, आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं और कम होते हैं उनको थोड़ा ही पता चलता है, पर जिनके थिक हेयर होते हैं थोड़ा बहुत उनको कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, मतलब ज्यादा नहीं हाँ, और मैं डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि अगर आप कभी फर्स्ट टाइम वैक्सीन करवाते हो तो डरो मत, ऐसा कुछ मतलब ज्यादा पेन नहीं होता और कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मुझे भी लगता था पहले कि नहीं मैं तो करवा ही नहीं पाऊंगी वैक्सीन, पर एक दीदी थी उन्होंने मुझे बोला था अरे कुछ पेन नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा लगता है। मैंने कहीं से ये सीखा नहीं वैक्सीन थ्रेडिंग, बस खुद पे एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुल हुआ, तब से मैं खुद से ही करती हूँ। इस हीटर की सबसे अच्छी बात कि ये ऑटोमेटिक है, तो जब भी ज्यादा गर्म होता है ये अपने आप ऑफ हो जाता है, तो बार बार इसे ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चॉकलेट वैक्स है, इसके अलावा मैंने हनी और एलोवेरा भी यूज किया है, पर मैं ज्यादातर चॉकलेट वैक्स यूज करती हूँ क्योंकि मुझे हनी और एलोवेरा के कंपैरिजन ये ज्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा स्ट्रिप्स को बीच में से कट कर देती हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं फुल वैक्स स्ट्रिप मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, मतलब ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मैंने वो वैक्सीन स्ट्रिप्स भी ट्राई की हैं जिसमें पहले से ही वैक्स लगा रहता है, तो वो भी अच्छी रहती हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं इजली और जब जहाँ चाहो वैक्स कर सकते हैं, तो वो भी मुझे अच्छी लगती हैं। वैक्स से बहुत चिपचिपा हो जाता है इसलिए मैं एक
वेट हैंकी अपने पास रखती हूँ और उसी से वाइप करती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम में, तो इससे थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वैक्स करने के बाद थोड़ा रेड रेड सा और रैशेज जैसा हो जाता है, पर वॉश करने के बाद और अच्छे से एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद एकदम स्मूथ स्किन हो जाती है। पोस्ट वैक्सिंग ऑयल या एलोवेरा जेल भी आप लोग रख सकते हैं, नहीं तो आप अच्छे से वॉश करने के बाद कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खुद की वैक्सिंग करने के लिए हमें कहीं बाहर से जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप सही डायरेक्शन में वैक्स लगाएं। और हाँ, वैक्स लगाते टाइम ये जरूर चेक कर लेना वो ज्यादा गर्म ना हो, जितना आप सहन कर सकते हो उतना ही गर्म लगाओ। वो अभी जब से कोरोना आया है तो बाहर तो जाना पॉसिबल नहीं होता है और या फिर टाइमिंग्स भी नहीं बैठती हैं फिट, तो खुद से वैक्स कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी भी है करना। बस वैक्स को हमें हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अप्लाई करना होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है, और ये हमें बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब जिस दिन आपका पूरा दिन फ्री हो आप आराम से वैक्स कर सकते हो। वैक्सिंग मैं मंथ में एक या दो बार करती हूँ, और जब भी मैं वैक्सिंग करती हूँ तो मुझे स्क्रब करना पसंद है। और ये स्क्रब आप में से कुछ लोगों ने पूछा था, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें आपको चाहिए कॉफी, शुगर, कोकोनट, बस इसके अलावा आप इसमें ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। तो ज्यादातर तो नहीं, पर जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो मुझे फेस पे भी स्क्रब करना पसंद है। रेजर में कम यूज करती हूँ क्योंकि उससे हेयर जल्दी आ जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैक्सिंग से कम 15 दिन तो राहत रहता है। हाँ, पर अगर ज्यादा टाइम ना हो और कहीं जल्दी जल्दी में जाना हो तो रेजर भी कर सकते हैं, पर आराम से। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में काट दी अपने आप को। तो हमेशा ही ऐसा होता था कि मुझे रात को वैक्सिंग करने का टाइम मिलता था, तो अब मुझे रात को ही वैक्सिंग करना अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे वैक्सिंग करना होता है तो मैं रात को ही करती हूँ। और सबसे अच्छी बात, मतलब जब भी मुझे टाइम मिले मैं वैक्सिंग कर सकती हूँ, तो मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि हाँ पार्लर जाना है या कुछ, घर पे ही। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो खुद से वैक्सिंग करने या फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवाने की इच्छा जगी हो। और वीडियो पसंद आई हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।